down sharply to start the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. अस्सलामु अलैकुम। हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम डल लेक के पास खड़े हैं। इस वक्त यहाँ का मौसम ना ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म। दोस्तों, हम यहाँ हाउस बोट में रहने वाले हैं। हाउस बोट में जाने के लिए हमें शिकारा में बैठकर जाना होता है। ये जो बोट्स आप देख रहे हैं उसे शिकारा कहते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी हाउस बोट। चलिए आपको हाउस बोट के अंदर का नजारा दिखाते हैं, जो देखकर आपको भी लगेगा कि वाकई ऐसा भी कुछ होता है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफी दिनों से हम सोच रहे थे कि वेकेशन पर चले जाएं, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि बाहर निकलना मुश्किल था। हम कश्मीर घूमने के लिए आए हैं। हम श्रीनगर आए हैं सबसे पहले। यहाँ का डल लेक तो बहुत फेमस है। आप सब ने डल लेक के बारे में तो जरूर सुना होगा। डल लेक में हम हाउस बोट में ठहरे हुए हैं, जिसका नाम प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा है। ये हाउस बोट हमारे एक कजिन के जानने वाले की है। उनका नाम है जान मोहम्मद। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ बेनज़ीर मैम, जो हमारे हाउस बोट में आज ठहरी है। तो आइए मैं आपको कुछ हाउस बोट के बारे में बताऊंगा आज, कि ये किन चीज़ों से बनी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और इसके ये कहाँ पे है, ये किस ग्रेड पे और कहाँ पे ये लोकेट है। तो सारा चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। जो हमारी हाउस बोट प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा है, ये गेट नंबर 13 पे है, बिल्कुल डल लेक के गोल्डन लेक में है ये। तो आइए मैं आपको अंदर से इसका इंटीरियर, जो भी इसका वुडन वर्क है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो फर्नीचर है ये ऑल वॉलनट वुड है ये, तो वॉलनट वुड पे ही वर्क होता है। और इसकी जो छत है, इसकी अपनी एक पहचान है, तो इसको ख़त्म बंद छत बोलते हैं। ये पूरी हाउस बोट जो है टीन वुड से बनी है। एक तो इसमें देवदार का वुड है, फिर पाइन का है, और इसका जो सारा फर्नीचर है वो वॉलनट वुड का है। एंड ये इसका सिटिंग एरिया है, यहाँ पे जहाँ अभी हम है, ये आपको जो एरिया हम दिखा रहे हैं। तो ये पूरा कारपेट जो है कश्मीरी कारपेट है ये। उसके बाद हमारा डाइनिंग आएगा, ये बिल्कुल इसकी डाइनिंग है, इसका फ्रिज वगैरह जो भी है तो वो यहाँ से है, बिल्कुल अब कश्मीरी टच में है इसका ये सब कुछ। तो अभी आप आइए, मैं आपको इसकी पेंट्री दिखाता हूँ। ये इसकी पेंट्री है, तो सारा क्रॉकरी वगैरह सारा इसी में रहता है। तो ये इसका कॉरिडोर है। इस बोट में 4 rooms हैं, 4 bedded rooms है ये। तो हर एक रूम में अपना टीवी, अपना अटैच वॉशरूम, लग्जरी वॉशरूम्स अटैच है इसके। तो इसका जो लास्ट रूम है, दैट्स कॉल्ड स्वीट रूम, क्योंकि वो साइज में बड़ा होता है। एंड एवरी वॉशरूम हैज अ टब। तो गाइज, ये था हाउस बोट के अंदर। अभी हम आपको हाउस बोट के बाहर का व्यू दिखाते हैं। और हमारे साथ अभी बेनज़ीर मैम भी है, वो नज़ारे का लुत्फ ले रही है। तो ये हाउस बोट का व्यू है। तो यहाँ से पूरा डल लेक आपको दिखेगा। यहाँ से ये जो पॉइंट बना है, ये इट्स कनेक्टिंग टू द ऑल 20 हाउस बोट्स। दोस्तों, हम फ्रेशन अप होकर निकले हैं शिकारा राइड के लिए। शिकारा में हमें थोड़ा ध्यान से बैठना होता है, बैलेंस को बनाकर, क्योंकि ये काफी हिलता रहता है। शुरू शुरू में हमें थोड़ा सा डर लगा, लेकिन हम तो फिर बैठ ही गए।
क्योंकि इसमें बैठे बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। डल लेक की सैर करना है तो इसमें तो बैठना ही है। दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी, पहाड़ और शिकारे नजर आते हैं। कश्मीर की खूबसूरती का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। गर फिरदौस पर रूए जमीनस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। सैर करते करते हमने देखा कि डल लेक में बिल्कुल एक शहर बसा हुआ है। यहाँ एक शॉपिंग मार्केट है जिसे मीना बाजार कहा जाता है। मीना बाजार में फ्लोटिंग शॉप्स है जहाँ से आप पश्मीना स्टोल्स, शॉल्स, दूसरी हैंडीक्राफ्ट चीजें, कश्मीरी कार्पेट्स, ये सारी चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ आपको वैरायटी ऑफ शॉपिंग देखने को मिलेगी। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो बस आपको अपना शिकारा साइड में लेना है और उतरकर जो चाहे वो खरीद लेना है और फिर वापस अपने शिकारा में आकर बैठ जाना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरह से सैर की सैर, शॉपिंग की शॉपिंग, ये एक्सपीरियंस भी हमें बहुत ही डिफरेंट और अलग लगा। आप देख सकते हैं कि सनसेट हो रहा है। यहाँ हमारी शिकारा राइड ख़त्म हो रही है और बड़ी जोरों की भूख लग रही है। तो आइए देखते हैं डिनर में क्या क्या है। ये है आलू गोभी की सब्जी। वाह, चिकन कढ़ाई भी है। मुंह में पानी आ रहा है। लो, आ गई मेरी फेवरेट दाल। अरे वाह, आलू मटर की सब्जी भी है। ये क्या है? मटन रोगान जोश। इसकी रेसिपी तो हम इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे। गर्मा गर्म रोटी और चावल भी है। और मुझे अभी अभी पता चला है कि डिजर्ट में फिरनी भी है जो फ्रिज में ठंडी हो रही है। तो दोस्तों आपको हमारी हाउस बोट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं कश्मीर के, घर बैठे कश्मीर की सैर करना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह और भी व्लॉग्स लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो हमारे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपने गांव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।